वेल, बिग बॉस ने क्या आयशा का सच छुपाया है जो हम सबकी नजरों में नहीं आ पाया सामने? आखिर क्या छुपा रहे हैं बिग बॉस आयशा खान को लेकर? चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। वेल, बिग बॉस के घर में कल एक इंसिडेंट हुआ। हमने देखा कि पहले तो सलमान ने आयशा की क्लास ली, जिसके बाद वो फेंट हो गई। फेंट क्या हो गई? इससे पहले हमने जो नज़ारे देखे वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। दरअसल आपको बता दें कि जब यहाँ पर सलमान का सेशन खत्म हुआ, वो कमरे में जाकर पहली बार तो फूट फूट कर रोने लगी, मतलब बहुत ज्यादा रो रही थी। और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आई है तो उन्होंने विक्की भाई बोलकर यहाँ पर वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेल्फ आउट करने की कोशिश की है। और जिसके बाद आपने गौर किया होगा, अनुराग और विक्की दोनों यही वर्ड बोलते हुए नजर आए, आर यू मैड। अब कोई फेंट हो रहा है तो उसको ये शब्द तो नहीं बोला जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। जब बंदा बेहोश हो गया है तो उससे बोला ही क्या जाएगा। तो ऐसे में विक्की और अनुराग ये वर्ड्स जो बोलते हुए नजर आए हैं, आर यू मैड। और जिसके बाद हमने देखा है कि बिग बॉस जब मतलब सभी कंटेस्टेंट्स जो हैं लेकर भी जाते हैं आयशा को मेडिकल रूम में, और वहां भी हमें आयशा का चेहरा देखने को नहीं मिलता है, आयशा का चेहरा दिखाया ही नहीं जाता है। और इसके चलते इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयशा खान ने कल अपने आप को सेल्फ हर्ट करने की कोशिश भी की है। और आपने सुना भी होगा कि अंकिता भी बोलती हुई नजर आई कि ब्लड निकल रहा है, मुनव्वर भी हैंड वॉश करते हुए नजर आए। तो ऐसे में इन सभी बातों से साफ पता चल रहा है कि भाई आशा ने कल अपने आप को सेल्फ हर्ट करने की कोशिश की, और जिसके बाद वो फेंट हो गई, फिर मेडिकल रूम ले जाया गया, फिर इसी के लिए इमरजेंसी के लिए उन्हें बाहर के हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब ऐसे में बिग बॉस ने ये सच हम लोगों से छुपाया, इसलिए भी अगर सामने आ जाता तो बहुत बवाल हो जाता। नहीं तो नॉर्मली लोग बेहोश होते हैं और तो उनके फुटेजेस दिखाते हैं हम लोगों को, जैसे कि आयशा का पहले भी हमें फुटेज देखने को मिला है, लेकिन कल एक बार भी उनका चेहरा देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में बिग बॉस ने ये सच हम लोगों से छुपाया है और ये सच मैंने आपको बताया है। वेल, इन बातों से आप कितना अग्री करते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।